अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका बेबी अंडरवेट है और आपको नहीं समझ आ रही कि आपको किस तरह से सिचुएशन को कोप अप करना चाहिए, कौन सी ऐसी डाइट है जो आपको ऐड करनी चाहिए अपनी रूटीन में, और कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको थोड़े से अवॉइड करने चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना करें, तो मरहम के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिस आउट ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तौसीफ। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादातर लेडीज़ को ये कई कंसर्न होता है कि उनकी गायनेकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग उनका वेट तो नॉर्मल है, लेकिन उनका बेबी जो है उसका वेट नॉर्मल नहीं है, फीटल वेट जो है वो थोड़ा सा अंडर वेट होता है। तो उस टाइम पर आप अपने आप को तो नॉर्मल कंसिडर करते हो कि आपका वेट नॉर्मल है, तो आपको डाइट में ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके बेबी का वेट थोड़ा सा अंडर वेट हो, तो उस टाइम पर कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जो कि आपको अपनी डाइट में करनी होती हैं। तो पहले अगर हम वेट गेन के बारे में बात करें, तो पहला ट्राइमेस्टर जो होता है यानी प्रेगनेंसी के पहले 3 मंथ्स जो होते हैं, वो ऐसा टाइम पीरियड होता है कि उसमें आपने अपना वेट जो है, अपनी कैलोरीज जो हैं ज़्यादा इंक्रीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है अगर आपका वेट नॉर्मल है तो। लेकिन अगर आप अंडर वेट हो, तो ऑलरेडी आपको वहाँ पर 300 कैलोरीज जो हैं अपनी डाइट में थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। लेकिन जब ओवरऑल आपके बेबी के वेट की बात होती है, तो अगर उसका थ्रू आउट प्रेगनेंसी उसका वेट देखा जाए, तो पहले 3 महीनों के बाद नॉर्मली उसका वेट 1000 ग्राम्स होता है। इसके बाद जब चौथा महीना शुरू होता है, तो चौथे महीने में पहले हफ्ते के एंड से 100 ग्राम्स जो है हर वीक के एंड पे इंक्रीज़ होता है, ताकि जब डिलीवरी का टाइम हो तो उस टाइम पे 3500 ग्राम्स आपके बेबी का वेट होना चाहिए। अगर इसको हम पाउंड्स में कन्वर्ट करें तो 7 पाउंड्स बनते हैं, इतना वेट जो है वो नॉर्मल कंसीडर होता है। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं? तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। इसी तरह से अगर हम देखें कि आप इस तरह से किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हो, या अगर आप देखो कि कैलरीज कितनी ऐसी कैलरीज होती हैं जो आपको हर ट्राइमेस्टर में, हर महीने में प्रेगनेंसी में ऐड अप करनी चाहिए अपनी डाइट में, तो अगर कैलरीज की बात करें, तो पहले 3 महीने में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना होता अपनी कैलरीज पे। हाँ, आपको ये देखना होता है कि आप जो चीज़ें खा रहे हो अपनी डाइट में, जो आपकी चीज़ें हैं, क्या वो न्यूट्रिशियस हैं या नहीं है, क्या वो न्यूट्रिएंट डेंस हैं या नहीं है। इसके अलावा जब तीसरा महीना, चौथा महीना स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे आपको अपनी डाइट में ऑलमोस्ट 300 कैलरीज जो हैं वो बढ़ानी होती हैं। और सेम वे में अगर आपका 6 मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आपको 450 से 500 कैलरीज बढ़ानी होती हैं। अब अगर आप देखें कि आपकी कैलरीज जो हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं है, तो नॉर्मली आप कैलकुलेटर तो ले के बैठ नहीं सकते कि आप कैलकुलेट करें साथ साथ के जो आप खा रहे हैं उसमें कैलरीज आपको नॉर्मली मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो उस टाइम पे आप उसका चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ये कर सकते हो कि टाइम टू टाइम आप अपना वेट चेक करो कि क्या आपका वेट नॉर्मल है या नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए आपके अपने वेट की, तो वो भी लिंक करता है आपके बेबी के वेट के साथ। अगर पहले ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीने के बाद नॉर्मली आप 3 से 4 पाउंड्स वेट जो है वो इंक्रीज़ करते हो, इसी तरह से फिर इसके बाद जब 4th month स्टार्ट होता है, दूसरा ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, चौथा महीना स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे हर वीक के एंड पे ऑलमोस्ट 1 पाउंड आपका वेट इंक्रीज़ होना चाहिए, ताकि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो सके और आपके बेबी का जो वेट है वो हेल्दी हो। तो अगर हम बात करें इस टाइम पे उन लेडीज़ की जिनको ये इशू होता है कि उनका वेट नॉर्मल है लेकिन उनके बेबी का वेट जो है वो थोड़ा सा अंडर वेट है, वेट नॉर्मल नहीं है, उनका कम है, तो उस टाइम पे आपको किस तरह से गेन करना चाहिए वेट, किस तरह से कोप अप करना चाहिए सारी सिचुएशन को, तो आपको डाइट में अपनी थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंक्लूड करनी चाहिए, जिनमें सबसे पहले प्रोटीन और आयरन आ जाता है। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन ले रहे हो और आयरन ले रहे हो ऑलरेडी, तो उस टाइम पे जब आपको इश्यूज होते हैं अंडर वेट के, तो उस टाइम पे आपने सर्विंग्स थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होती हैं। अगर हम प्रोटीन की बात की जाए यहाँ पे, तो सोर्सेस में आपके पास मीट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि चिकन, मटन, बीफ, लेंटिल्स, जिसमें जैसे कि दाल हो गई, और इसके अलावा ये वो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आपको प्रोटीन भी मिलेगी और साथ इसके अलावा आपको आयरन भी मिलेगा। अब फ्रूट्स देखा जाए, तो वो फ्रूट्स जिनमें विटामिन सी ज़्यादा हो, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहती है।
ताकि आपके बेबी का और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहे उससे। और विटामिन सी इनरिच फूड्स जो होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वो ज़्यादातर खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि पाइन एप्पल, एप्पल, ग्रेप्स वगैरह। प्लस इसके अलावा आप मेलन और बनानास भी ले सकते हो। और अगर वेट गेन करने के लिहाज से, उस कंसर्न से देखा जाए, तो अगर आपको एवोकेडोस की अवेलेबिलिटी हो तो वो सबसे बेस्ट फ्रूट कंसीडर होता है बेबी का वेट गेन करने के लिए, क्योंकि उसमें फाइबर भी मिलेगा आपको, आपको विटामिन सी भी मिलेगा और विटामिन ई भी मिलेगा। इसके अलावा अगर सब्जियों की बात की जाए, तो सब्जियों में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, जैसे कि ब्रोकली हो गई, स्पिनच हो गई, पालक, शलजम वगैरह, ये वो सब्जियां हैं जो कि आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, ताकि आपको फाइबर भी मिले, आपको वो न्यूट्रिएंट्स भी मिलें जिससे कि आपकी कैलोरीज इंक्रीज हो रही हैं, प्लस आपके बेबी की हेल्थ के लिए, उसके डिवेलपमेंट के लिए जो है एक प्रॉपर मील आप ले रहे हो, तो उसमें आपको ऐसे फ्रूट्स और ऐसी सब्जियाँ भी इंक्लूड करनी चाहिए। इसके अलावा आप कैल्शियम रिच फूड्स जो है वो इंक्लूड ज़रूर करें, जैसे कि दूध, दही और अंडे। ये तीन चीज़ें जो हैं, इससे आपको इनफ कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो मिल सकती है। तो आप इन फूड प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में ज़रूर एडअप करें। अब इसके अलावा जो एक और चीज़, जब हम देखते हैं फैट्स के बारे में, तो कुछ लोग फैट्स को अपनी डाइट से निकाल देते हैं उनको अनहेल्दी कंसीडर करके। पर फैट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, आप हेल्दी फॉर्म में भी हो सकते हैं और अनहेल्दी फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पर उनकी हेल्दी सोर्सेज ढूंढ रहे हो, तो वो ज़्यादातर आपको सी फूड में मिलेगा, जैसे कि सैल्मन में और जितनी भी फिश प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें आपको ओमेगा 3 फैट्स मिलेंगे, जो कि आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। प्लस आप नट्स ले सकते हो, जितने भी नट्स हैं, वॉलनट्स, बादाम, अखरोट, और ये सारे नट्स जो हैं, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा 3 फैट्स मिलेंगे, मैग्नीशियम मिलेगा, और वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो कि आपकी बेबी के वेट के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करें। और अगर आप किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना चाह रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकती हैं, और मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकती हैं। शुक्रिया।